तो हे व्हाट्सअप गाइस, आप लोग सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो गाइस आज हम लोग जाएंगे नेदर में, क्योंकि मुझे नेदरराइट का आर्मर पूरी तरह से चाहिए और नेदरराइट का टूल्स भी। तो उसके लिए मैं पिछले वाले एपिसोड में एक जायंट क्रीपर फार्म बनाया हूँ, ताकि मुझे उसमें से बहुत सारा गन पाउडर वगैरह मिल पाए। और मुझे थोड़ी बहुत सैंड कलेक्ट करना पड़ेगा, वो कि मैं कर चुका हूँ पहले से ही ऑफलाइन जाके। तो चलो जल्दी से जाके TNT बना लेते बहुत सारा। अभी तो फिलहाल के लिए रात हो रहे, मैं काम करता हूँ, सो जाता हूँ सबसे पहले। अब मैं जल्दी से जाता हूँ गन पाउडर फार्म में, वहाँ पर जाके बहुत सारा गन पाउडर इसमें कलेक्ट करके मैं ले आता हूँ। तो ऑल राइट गाइस, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारा गन पाउडर पहले से कलेक्ट होके रखा हुआ है। तो गाइस मैं ऑफलाइन में यहाँ पर बहुत देर ऑफलाइन था, इसलिए इतना सारा गन पाउडर यहाँ पर पहले से ही मौजूद है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से जितना सारा हो सके मैं कलेक्ट करके ले जाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ से एक खाली सल्कर बॉक्स में ले लेता हूँ, इसमें सब। तो ऑल राइट, इसमें सब मैंने गन पाउडर रख लिया। अब मुझे थोड़ी बहुत और भी रख लेते हैं। तो गाइस चलो सबसे पहले कैप्टन डेविड के प्लेस जाते हैं, वहाँ पर जाके सब कुछ TNT में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मेरे पास बहुत सारा सैंड भी है, मैंने बहुत सारा सैंड कलर करके रखा है पहले से ही। तो ऑल राइट गाइस, आप लोग देख सकते हो, इतने से पहले TNT बना लेते हैं। TNT का रेसिपी क्या है एक बार देख लेते हैं। TNT चलो इतना ही बना है। तो ऑल राइट गाइस, आप लोग देख सकते हो मेरे पास सिर्फ इतना ही TNT हुआ है। मैं सोच रहा था कि मेरा सेल्फ केयर बॉक्स पूरी तरह से फुल हो जाएगा, मगर क्या कर सकते, फुल ही नहीं हुआ। मेरा सब सैंड ख़त्म हो गया, मेरे पास जो भी गन पाउडर वगैरह बच गया मैं वहाँ पर जाके पहले से रख के आ गया। तो गाइस अब मैं जाता हूँ जल्दी से नेदर, वहाँ पर जाके एक अच्छी डायरेक्शन मुझे खोजना पड़ेगा सबसे पहले। तो ऑल राइट गाइस, मैं नेदर में एंट्री कर लिया हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा देता हूँ। मेरा इरादा था कि मैं यहाँ पर माइनिंग करूँ, तो आप लोग देख लो यहाँ पर जगह ही नहीं। अरे मदरचोद, शाबाश बेटा, कौन मारा रे? ओ भाई मैं तो मरते मरते बचा अभी, साले स्केलेटन का काम है ये। तो गाइस आप लोग देख लो यहाँ पर छोटा छोटा आइलैंड है, यहाँ पर मैं खुदाई करूँगा तो डायरेक्ट लावा में जाके गिरूँगा। यहाँ पर कोई भी ऐसा जगह नहीं है कि मैं माइनिंग पर जा पाऊँ, तो मुझे सामने की तरफ जाना पड़ेगा। देखते हैं सामने की तरफ कोई जगह फ्री है तो। तो सबसे पहले मैं यहाँ से आगे की तरफ जाता हूँ। अरे कौन सा जगह आ गया मैं, यहाँ से मुझे एक परफेक्ट जगह ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले। तो गाइस यहीं पर मैं खुदाई करने वाला हूँ, पहले वाई लेवल 14 पर मुझे जाना पड़ेगा सबसे पहले। रुको जरा, पहले तो खाना खा लेते हैं, और जितना भी मेरा खुफिया हथियार है उसको मुझे पहले निकल लेना पड़ेगा। ये है हो गया और ये हो गया। सबसे पहले मुझे जितनी भी साड़ी है मेरे पास फायर रेजिस्टेंट का पोषण, वो सब मुझे हाथ में पकड़ के रखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से लावे में जाके गिरूँ तो मेरा तो मौत एकदम पक्का है। तो यहाँ पर मैं फायर रेजिस्टेंट का पोषण रखता हूँ, और TNT के तो बाद में निकालूंगा मैं, इसको यहाँ पर नहीं यहाँ पर रख देता हूँ, सबसे बढ़िया होगा। ये भी और मुझे एक फ्लिंट एंड स्टील बनाना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ कि क्राफ्टिंग टेबल कहाँ गया मेरे यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पर खोदना पड़ेगा वाई लेवल 14 तक, वहाँ पर जाके मैं धमाका करना शुरू कर दूंगा। तो ऑल राइट गाइस, आप लोग देख सकते हो कि मैं वाई लेवल 14 पर चला आया। तो उसके बाद मुझे यहाँ पर एक रास्ता क्रिएट करना पड़ेगा सबसे पहले, ताकि मैं यहाँ पर TNT लगा पाऊँ।
तो चलो ये मैं 2 मिनट में करके आप लोगों से मिलता हूँ। तो ऑल राइट गाइस, आप लोग देख सकते हो कि मैं यहाँ पर एक टनल क्रिएट कर लिया हूँ। तो उसके बाद मुझे यहाँ पर लंबा करके बहुत सारा TNT यहाँ पर लगा देना पड़ेगा 3x3 गैप करके। तो सबसे पहले मुझे थोड़ी बहुत TNT यहाँ पर हाथ में ले लेना चाहिए। यहाँ पर एक दो तीन ऐसे करके मुझे लाइन पूरी भर देना चाहिए सबसे पहले। तो गाइस मुझे फोड़ने में थोड़ी बहुत डर लग रहा है, ताकि मेरे ऊपर TNT आके नहीं गिरना चाहिए। वो अगर मेरे ऊपर आके गिरा तो मैं पूरी तरह से खत्म हो जाऊंगा, एक TNT से मैं मर जाऊंगा। सील भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगा अगर TNT मेरे ऊपर आके गिरा। तो गाइस सबसे पहले मैं एक सुरक्षित जगह खोज लेता हूँ, इसको फोड़ लेते है। ओ भाई मैं यहाँ। तो गाइस आप लोग देख लो, धमाका कर रहा है बहुत ज्यादा। ओ भाई नाइस, यहाँ पर तो मुझे पहला नेदरराइट मिल भी चुका है। अब मैं यहाँ पर पहले लावा बंद कर, बोरा दूसरा नेदरराइट, दूसरा नहीं तीसरा है वो। अरे यार तो सबसे पहले मुझे नेदरराइट एक बार तोड़ने दो सबसे पहले। ओ भाई मेरे इस वाल पे प्याला नेदरराइट है मेरे पास। एंसिएंट डिवाइस, व्हाट द फक, मैं तो जानता था ये नेदरराइट, इसको एंसिएंट डिवाइस बोलते हैं। तो चलो मैं घर में जाके इसका रेसिपी देख लूंगा। तो पहले फिलहाल तो इसको मैं तोड़ लेता हूँ। अरे यार अभी अभी मर जाता मैं। 2 हो गया मेरे पास। अब सामने की तरफ जो कुछ भी है मैं उसको कलेक्ट करने वाला हूँ। यहाँ से होगा क्या ये? हाँ हो जाएगा। तो गाइस मुझे ऊपर जाके ये सब लावा को मुझे बंद करना पड़ेगा। सामने का है कोई और बोरा, चौथा नियर राइट मेरे इस वॉल पर बोरा एक। तो गाइस मेरे हिसाब से तो मुझे लॉटरी लग गई अभी के अभी। इसको भी तोड़ लेते हैं। तो गाइस यही काम मैं बार बार कर लेता हूँ ये डिगिंग, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। अरे यार तो गाइस मैं सामने की तरफ डिगिंग कर रहा था, और डिगिंग करते करते मुझे एक बहुत बड़ा लावा पूल मिल गया हेड लाइफ। वहाँ पर तो मैं डिगिंग नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा लावा है, इसलिए मुझे दोनों साइड है TNT फोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इस साइड में 3 स्टैक के करीब मैं TNT को प्लेस करके आ चुका हूँ। अब मुझे बस TNT को यहाँ पर बूम। ओ भाई यहाँ पर 3 स्टैक है। अरे नीचे आ गया था एकदम। और फोड़ो जाओ। पहले तो मैं इसको बंद करता हूँ एकदम ही। तो गाइस मैं इसको बंद कर दिया हूँ, अब मुझे सामने की तरफ जाना पड़ेगा। बो रहा, अरे यार मेरे सिर के एकदम ऊपर ही 2 है यहाँ पर। अरे जल्दी से यहाँ पर 2, मेरे हिसाब से अभी 8 हो गया। गाइस यहाँ पर तो बेडरॉक भी दिख रहा है। मेरे पास फायर एस्टर का पोषण है, मुझे कुछ नहीं होगा अभी। यहाँ पर 2 है, रुको जरा। तो गाइस ये चेन मेरा मिडिल पोजीशन से एकदम ही टूट गया था। अब मैं इसको, रुको जरा, 2 डिगिंग से नहीं होगा। अब मैं इसको फिर से फोड़ लेता हूँ। नीचे चल भाई, नीचे चल। ओ भाई। अरे यार डर के आगे गाइस जीत है। आप लोग देख सकते हो मेरे सामने 3-3 एंसेंट डेवरिस्ट है। अभी तो मैं मरते बचे यहाँ पर। बो रहा है एक और, मैं तो करोड़पति बन गया निधर में आके। तो गाइस मेरा यहाँ पर जो TNT था बीच में ही रुक गया। अब मुझे फिर से इसको दवा देना पड़ेगा, दवा नहीं यहाँ पर मुझे फायर कर देना चाहिए। अरे भाई
ये तो मरते मरते बचा अभी, मेरे एकदम सामने से गया वो टीएनटी। अरे यार यहाँ पर तीन तीन इंसेंट एवरेस्ट है, क्या लक है मेरा आज तो। बोरा सामने एक और मुझे दिख रहा है। फिर से रुक गया एकदम, यहाँ पर आकर मैं छुप जाता हूँ। अब तो यहाँ पर नेदर को खोखला करके ही जाऊंगा आज। यहाँ पर मेरे हिसाब से एंसेंट एवरेज नहीं मिलेगा। तो गई चलो मैं अब घर जाता हूँ। वैसे भी यहाँ पर मेरे पास अब टीएनटी नहीं बचा, तो मैं यहाँ पर आके भी क्या करूँगा। तो गई बोरा एक और एंसेंट एवरेस्ट, इसको मुझे पहले ले लेना पड़ेगा, नहीं तो मैं पहले तो ले लेता हूँ नहीं तो मैं भूल जाऊँगा। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरे पास 23 कलेक्ट हो गया। अब मैं घर में जाके सबसे पहले मैं एंसेंट एवरेस्ट कुछ मैं अपग्रेड करने वाला हूँ। तो गाइस आप लोगों का अगर ये वाला वीडियो देख के अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दीजिए गाइस। तो चलो सबसे पहले मैं घर के लिए निकलता हूँ। यहाँ पर और नहीं है ना एंसेंट एवरेस्ट, यहाँ पर शायद से और नहीं है। तो ऑल राइट गाइस मैं घर पे चला आया। अब मुझे सबसे पहले फर्नेस पे जाना पड़ेगा ताकि जितने भी मेरे पास एंसेंट एवरेस्ट है उसको मुझे नेदर स्क्रैप में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलो जल्दी से मुझे फर्नेस के पास जाते हैं हम लोग। फर्नेस कहाँ पर नीचे है मेरे हिसाब से। अरे फर्नेस फ्री नहीं है क्या कोई कुछ भी? तो ऑल राइट गाइस मैं यहाँ पर एंसेंट डेब्रिस को रख देता हूँ। अब मुझे वेट करना पड़ेगा, देखते 23 से मुझे कितना सारा नेदर स्क्रैप मिलता है। तो ऑल राइट गाइस मुझे यहाँ से लगभग 23 नेदरराइट स्क्रैप मिला है। तो चलो जल्दी से क्राफ्टिंग टेबल पर जाते हैं। उससे पहले मुझे थोड़ी बहुत गोल्ड भी चाहिए, यहाँ से 46 ले लेते हैं। यहाँ पर मुझे चार को इस तरफ रखना पड़ेगा, चार को इस तरफ, तो उससे मुझे मिलेगा यहाँ पर नेदरराइट इंगेट। देखते हैं 5 ही मिला है सिर्फ। मेरा तो पोपट बन गया एकदम ही। मुझे थोड़ा और जरूरत था, 3 ही है। चलो इसको मुझे संभाल कर रख देना चाहिए एंडर चेस में। चेस कहाँ पर है? मैं यहाँ पर है, इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ सबसे पहले। अब मुझे ये जो यहाँ पर आके सबसे पहले मैं अपना चेस्ट प्लेट नेदरराइट का बनाने जा रहा हूँ। तो गाइस आप लोग देख सकते हो गोल्डन चेस्ट प्लेट से मैं यहाँ पर कन्वर्ट होके नेदरराइट चेस्ट प्लेट हो जा रहा है। तो ये काम मेरा हो गया, इसको मुझे पहन लेना चाहिए। हो भाई कितना ऊपर दिख रहा हूँ मैं अभी। तो उसके बाद मुझे अपने पिकेक्स भी एंचेंट करना पड़ेगा। रुको जरा मेरा फॉर्चून का पिकेक्स लाने दो एक बार, ये रहा। तो इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर। मेरा ये भी कन्वर्ट हो गया नेदरराइट में। तो उसके बाद मुझे यहाँ पर जो भी मेरे पास है इसको भी मुझे करना पड़ेगा। विदर तू संभाल के रहे हो मेरे से, कवर इन, सॉरी कवर मी इन डेवरिस्ट। तो गाइस चलो इसको मैं पहन लेता हूँ। वो भाई कितना ओपी दिख रहा हूँ मैं, आप लोग देख लो, एकदम फुल्ली नेदरराइट का आर्मर पहना हूँ मैं अभी। तो गाइस इसका नेक्स्ट एपिसोड में तो मैं वेदर को मारने जाऊँगा ही जाऊँगा 100% सियोरिटी के साथ। तो उसके पहले मुझे थोड़ी बहुत नहीं, सिर्फ 3 ही मुझे वेदर स्केल चाहिए जो मुझे मिलेगा स्केलेटन जो है ना नेदर में उसको मारने के बाद। और मैं मारूंगा ये जो लूटिंग 3 है इससे मैं मारूंगा ताकि जल्दी मुझे मिल पाए। तो गाइस अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो तब तक के लिए मिलता हूँ, अलविदा गाइस।